तो आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। इजी सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। जैसे क्लासिक रेक्टेंगल है ये, पेरीमीटर का मतलब है इसके बाहर बाहर की ये सारी की सारी लंबाई, इसको बोलते हैं पेरीमीटर रेक्टेंगल। यानी कि अगर मान लो ये 10 है, 10 मीटर, ये 2 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 2 मीटर। हम गिन के भी बता सकते हैं इसको कि ये 10, 2, 12, 22, यानी 24 आ जाएगा टोटल। पर इसके अलग से हमें फॉर्मूले दे रखे हैं, हर बार गिनना नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का एक फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला है हमारे पास क्लास 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, बी भी स्मॉल बनाते हैं, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर रेक्टेंगल का। इसी के बेस पे हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे तो क्या, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 2-3 में तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसी को ही मान लेते हैं कि ये एक क्वेश्चन है, इसके हिसाब से हम इसका फेयर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दे रखी है हमें, 10 मीटर। ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ दे रखी है हमें 2 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखो हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ठीक है। अब आराम से इनको जैसे जैसे वैल्यू लिखे पुट करो, 2 की जगह पे 2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में एल की जगह पे 10 प्लस बी की जगह पे 2, ठीक है। अब बोर्ड मार्क्स के हिसाब से हमें पता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो 2 को भी बाहर रखो, 10 और 2 कितना हो गया 12, और 12 मल्टीप्लाई 2 कितना 24 मीटर। अब मीटर में स्क्वायर नहीं लगाया क्योंकि एरिया नहीं है, इसलिए स्क्वायर नहीं लगाया। आया समझ में, मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जैसे हमें लेंथ भी दे रखी है, ब्रेड्थ भी दे रखी है, पेरीमीटर निकालना है। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे कैसे भी क्वेश्चन का, कितने भी मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनते इसे, पर निकाल सकते हैं आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें और समझ में आ जाए अच्छे से कैसे किया जाता है। एक और रफ क्वेश्चन बनाते हैं इसी का, इसी पे ही बनाते हैं क्वेश्चन और। तो क्वेश्चन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा हाँ थोड़े से कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। क्वेश्चन ये है कि पेरीमीटर हमें पहले से दे रखा है, ये है क्वेश्चन कुछ तगड़ा। पेरीमीटर दे रखा है इसमें, मान लो हमें क्लास 50 मीटर, ठीक है, और लेंथ दे रखी है ये वाली लंबाई 15 मीटर, और ब्रेड्थ हमें नहीं दे रखी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन है तगड़ा क्लास, ठीक है, कि लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ नहीं दे रखी, और पेरीमीटर पहले से जो हमें निकालना था वो पेरीमीटर में पहले ही दे रखा है, मतलब हमें ब्रेड्थ निकालनी है कैसे भी करके, ठीक है। फॉर्मूला यही लगेगा सब कुछ, हम करते हैं शुरू करना। सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले लेंथ लिखेंगे कितनी हमारे पास 15 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी, ब्रेड्थ है ही नहीं, तो ब्रेड्थ में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे पर हम बी यूज़ करेंगे ब्रेड्थ को, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूले से पहले हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा, तो इसी को लिख लो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 50 मीटर। और अब लिखो फॉर्मूला, इसी में ही रखेंगे तो अभी तो भी आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूला लिखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब लिखेंगे फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब देखो क्लास, इजी है कॉन्सेप्ट, जो जो हमें गिवन है वो लिखो, जो नहीं पता उसको नंबर का नंबर डालो। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें पता है कि क्लास ये है 50, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे, क्योंकि बोला गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 50 है, तो हमने इसके नीचे लिख दिया 50। अब 2 मल्टीप्लाई एल, एल की जगह पे कितना 15, और बी की जगह पे बी, ठीक है, इसको हम यहाँ पे भी लेके जाएंगे। अब देखो क्लास, अगर हम इस 2 को यहाँ भेज दें 50 के पास, तो ये 50 को जाके डिवाइड कर देगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 50 के पास भेजेंगे तो डिवाइड कर देगा, और 2 से 50 को करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया क्लास का 25, और वहाँ पे क्या बचा हमारे पास, बस 15 और बी बचा बस। आया समझ में, देखो जैसे ये 50 यहाँ पे था, हमें बी की वैल्यू चाहिए ना, सिर्फ ये वाला बी निकालना है, तो क्या करेंगे हम बाकी नंबर इधर भेजेंगे, तो सबसे पहले 2 को भेजते हैं, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 50 को डिवाइड कर देगा जाके, तो यहाँ पे आ गया 25। अब यहाँ पे क्या बचा 15 प्लस बी, लिखेंगे पूरा यहाँ पे 25, यहाँ पे आ गया,
और यहाँ पे बचे हुए 15 प्लस बी, इतना ही है यहाँ पे। अब इसको देखो क्लास, हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो ये 15 को भी उधर भेजना पड़ेगा, 15 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ये 25 के पास जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, बच गया वहाँ पे बी। अब बस इनको सॉल्व करो, बी की वैल्यू आ गई, इनको सॉल्व करेंगे ये आ गया 10, यानी हमारा जो बी आया है ब्रेड्थ वो है 10 मीटर, ये आंसर हो गया इसका। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था कि मतलब अगर लेंथ या ब्रेड्थ में से कोई चीज़ नहीं दे रखी हो और पेरीमीटर दे रखा है तो टेंशन नहीं लेनी है, बस वही फॉर्मूला लगा देना सेम, बस यहाँ पे पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर लिख देना है, और जो भी लेंथ नहीं दे रखी तो लेंथ के अलावा सारे नंबर भेज दो इधर, और अगर ब्रेड्थ नहीं दे रखी तो ब्रेड्थ के अलावा सारे नंबर इधर भेज दो, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला इसका आंसर आ गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का टॉपिक थोड़ा सा क्या ईजी है, वैसे भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये था तुम्हारा आज का टॉपिक, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। That's it.